दोस्तों, आज 18 जुलाई 2021 संडे का दिन, रविवार का दिन, और आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य। ये देखिए दोस्तों, आप आज काफ़ी भीड़ है। वीकेंड में लोग हरिद्वार आते हैं घूमने के लिए, माँ गंगा में स्नान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा। और आज मौसम, मैं आपको बताता हूँ कि लगातार 6-7 घंटों से लगातार बारिश होने के बाद का नज़ारा है ये। ये देख सकते हैं आप, और आपको ले चलते हैं आगे। देख सकते हैं ये महिला घाट है, यहाँ पे आप देखिए, आप श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, आप माँ गंगा में स्नान करने वालों की आप संख्या देखिए। ये देखिए आप, ताज़ा नज़ारा एकदम। मौसम अपडेट के साथ देखिए आप, मौसम देखिए आप, यहाँ का कितना खूबसूरत मौसम है आज। ये देखिए आप माँ गंगा के दर्शन करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। ये देखिए दोस्तों आप, ये देखिए, और आपको दिखाते हैं कुछ सुंदर दृश्य। बता दूं कि आप अगर हरिद्वार की यात्रा पे आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। 24 तारीख के बाद हरिद्वार की समस्त सीमाएं सील कर दी जाएंगी कांवड़ियों के लिए। कांवड़ियों के लिए हरिद्वार में नो एंट्री है, और पर्यटक श्रद्धालु आ सकते हैं, गंगा में स्नान कर सकते हैं, माँ गंगा के आप दर्शन कर सकते हैं, आप गंगा जल लेने आ सकते हैं, गंगा में स्नान करें, गंगा जल भर के ले जाएँ। और आप देख सकते हैं आज का खूबसूरत नज़ारा हर की पौड़ी का। देखिए, आपको ले चलते हैं किनारे पर, आज दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लगातार 6-7 घंटों से बारिश हो रही थी, और करीबन 7-8 बजे बारिश रुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप, ये देखिए आप, आज घाट पे नज़ारा देखिए आप, बहुत सुंदर दृश्य। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आज गंगा जी का फ्लो काफ़ी बढ़ा हुआ है, जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो आप गंगा घाट के किनारे पे ही नहाएं, आप बीच में ना नहाएं। ये देख सकते हैं, और ये देखिए आप, मिट्टी भी काफ़ी है आज गंगा जल में। ये देख सकते हैं मटमैला जल है आज काफ़ी। तो आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारा हर की पौड़ी का। ये देख सकते हैं आप, और आप समय देख सकते हैं, 11 बज चुका है। और ये देखिए आप, आज का ताजा दृश्य, ताजा नज़ारा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, और पड़ोसी जिले उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई। तो इस बार कांवड़े तो नहीं आएंगे, कांवड़ियों के लिए नो एंट्री है, पर श्रद्धालु और पर्यटक यहां आ सकते हैं हरिद्वार में। आप आइए, सावन मास के पर्व पर माँ गंगा में आप स्नान करें। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य है दोस्तों आज, ये देखिए आप। देखिए दोस्तों आप, आज श्रद्धालुओं की संख्या में काफी भीड़ है आज, ये देख सकते हैं। ये देखा, ये ब्रह्मकुंड का नजारा है जहाँ पे माँ गंगा की आरती होती है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, यह है नज़ारा खूबसूरत ब्रह्मकुंड का, और आप देख सकते हैं, और साथ साथ अनाउंसमेंट भी हो रही है कि आप मास्क का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ हरिद्वार की यात्रा पे आते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें, और गंगा घाट को आप स्वच्छ बनाए रखें, गंदगी ना फैलाएं। ये देख सकते हैं आप ब्रह्मकुंड का सुंदर नज़ारा।
तो दोस्तों अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने वाहनों से आ सकते हैं, निजी वाहनों से आ सकते हैं। घाट का नज़ारा है ये देखिए आप, और मैं यहाँ का सुंदर दृश्य आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। ये देख सकते हैं काफ़ी आज मौसम भी सुहाना है। देखिए आपको ले चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं इस तरफ का नज़ारा। चलो हाथ पकड़ लो, चौकी के बीच है।